पार्ट 14 नाम है खान पान की बदलती तस्वीर, एक तरह का निबंध है और लेखक है इसके श्री प्रयाग शुक्ल जी। और हकीकत भी है, देखने में ऐसा लगता है जो आज के आधुनिक युग में, आज के युग में खान पान का सही मायने में तस्वीर बदल चुका है। अब वो समय के कारण हो, लोगों को उतना समय नहीं है उस कारण हो, या और कई कारण हो सकते हैं, अन्य कारणों से भी ऐसे स्थिति बन सकती है। इस निबंध के द्वारा लेखक श्री प्रयाग शुक्ल ने आधुनिक युग तथा पश्चिमी सभ्यता के कारण खान पान की बदलती हुई तस्वीर को दर्शाया। अब यहां पर लेखक किसके कारण, तो पश्चिमी सभ्यता के कारण ये जो तस्वीर बदला है, अभी जो स्थिति बदली है खान पान की, वो पश्चिमी सभ्यता के कारण। कैसे? पिछले 10-15 वर्षों से हमारे देश की खान पान की संस्कृति में बहुत बदलाव हुआ है। 10-15 वर्षों में उन्होंने समूचे भारत को एकीकृत कर दिया है। ये सबको ऐसे नहीं जो कि एक ही जगह पर बदलाव हुआ, एक कोने में, उत्तर में, दक्षिण में, या पूरब में, या पश्चिम, कोई एक तरफ में बदलाव, ये पूरे भारत में बदल दिया। दक्षिण भारतीय व्यंजन जो भी मशहूर था, दक्षिणी भारत का व्यंजन, जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया, सांभर हो गया, चाहे उत्तर भारत में ये बहुत बड़े चाव से खाया जाता था, वही उत्तर भारतीय व्यंजन जो था, रोटी, दाल, साग, देश के सभी भागों में मिले थे। दूसरे प्रांत के, दूसरे जगह के लोग भी, दूसरे भारत के उत्तर में, उत्तर से दक्षिण के रहने वाले लोग हो, दक्षिण से उत्तर में आने वाले, वहां में रहने वाले लोग हो, सभी को अच्छी तरीके से खाया करते थे और स्वाद से। लेकिन जब से फास्ट फूड का चलन सब जगह बढ़ चुका है, इसके कारण स्थानीय व्यंजन जो था, चाहे इडली डोसा, चाहे रोटी दाल साग, जो भी था, वो सब पर इसका असर पड़ गया। अब धीरे धीरे वो क्या हो गया, लुप्त सा होने लगा, और उसकी जगह में क्या, किसका फास्ट फूड का चलन तो हुआ है, और क्या हो गया, 2 मिनट नूडल्स पैकेट बंद रूप से सभी लोग परिचित हो चुके, अब इसकी चलन शुरू हो गया। अब स्थानीय व्यंजनों के साथ अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में उपलब्ध है, अन्य प्रदेश के लिए, जैसे गुजरात का ढोकला, बंगाल के रसगुल्ले, हर जगह दिखाई देते। अंग्रेजों के समय के ब्रेड अब लाखों करोड़ों घर में नाश्ते के रूप में ले चुके, हर जगह पाया जाता है। खान पान की इस, ये एक प्रकार की जो मिश्रित संस्कृति का सबसे सकारात्मक पक्ष यह है कि नई पीढ़ी को देश विदेशों के व्यंजनों को जानने का अवसर मिला। यहां से जब दूसरे जगह लोग गए तो वहां के खान पीन का उनको मालूम पड़ा, वहां खान पीन वही चलता था, वही लेते थे, तो वही फिर अपने जगह पर आकर के लेना शुरू किया। अब कामकाजी महिलाएं जल्दी तैयार होने वाले व्यंजन को विशेष पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें भी काम पर अब जाना पड़ता है, तो कौन से ऐसे पकवान बनाए, कौन सा ऐसी नाश्ता बनाए, कौन से ऐसी खाना बनाए जो जल्दी पक जाए, जल्दी हो जाए, और जल्दी बना करके खिला करके और हम चले जाए। कोई अतिथि, कोई गेस्ट, कोई मेहमान भी अगर आए तो उनको जल्दी से जल्दी कौन से ऐसे नाश्ता है, खाना है, वही उनको बना करके दे दें और फिर सब अपने काम पर लग जाए। खान पान की नई संस्कृति में राष्ट्रीय एकता के नए बीज मिलते हैं। लेकिन खान पान की मिश्रित संस्कृति से हमारे स्थानीय व्यंजनों की लोकप्रियता घट गई। पहले क्या था, अब ये मिश्रित संस्कृति से जो अपने समाज में जो पहले की प्रथा थी, जो पकवान था, जो व्यंजन था, वो धीरे धीरे अब समाप्त हो गया या होने वाला है। अब आजकल के या आधुनिक युग के लोगों को बहुत ऐसी पकवाने हैं जो बनाने ही नहीं जानते, नाम से वो सुनते हैं, स्वाद भी मालूम नहीं है। पहले अतिथि कोई घर पर आते थे तो उनको इस तरह से अतिथि का स्वागत होता था, घर में इस तरह का स्वागत होता था
जो घर के जो बच्चे थे वो तालियां पीटते थे, खुशी होते थे। क्यों? तो घर में आज अतिथि आ गए तो अच्छी तरह का पकवान है, खाने का पकवान जो है सो बनेगा, कई तरह का व्यंजन घर में बनेगा, तो हमें भी खाने के लिए मिले, बच्चों को भी खाने के लिए मिले। तो उसके लिए वो इंतजार करते थे अतिथि आने से, अच्छी अच्छी व्यंजन घर में खाने के लिए मिले। लेकिन अब वो तो खत्म हो गया। अब अगर कोई अतिथि आता है तो 5 सितारा होटल में ही लेकर के चले जाते, अब वो घर में रखने का उतना उनके पास समय नहीं, बनाना करके खिलाने का उतना आवभगत स्वागत करने का समय ही नहीं। अब वो 5 सितारा होटल में ही अपना उनको रख देते हैं, सब स्वागत वहीं पर होता है। अब जैसे मौसमी सब्जियों के व्यंजन भी अब नहीं मिलते हैं, मौसम के समय में कई प्रकार के ऐसे सब्जी जो निकलता था तो वह क्या होता था, वो मौसमी सब्जी अपने घर में बनाते थे लोग, खाते थे। अब वो समय में मौसम में निकलने वाले सब्जियों का व्यंजन भी समाप्त हो गया। अब तो समय ही नहीं, गली मोहल्ले में मिलने वाली आम वस्तुएं केवल, अब क्या था, पहले गली मोहल्ले में मिलता था, अब वो 5 सितारा होटल में मिलने लगा। अब मौसम में जो सब्जियां घर में मिलता था, अब वो घर में तो मिलता नहीं, 5 सितारा होटल में या कहीं कोई अन्य होटल में जाकर के खा करके आ सकते हैं, उनको ऑर्डर दो जो इस प्रकार के सब्जी बनाई है, खा करके घर में अब उपलब्ध ही नहीं। तो ये एकीकृत करने का प्रयास किया है लेखक इस पाठ में, जो कि बदलते समय में भी हमारी जो अपनी सभ्यता है, हमारे जो अपनी व्यंजन है खान पान की, उसको बरकरार रखा जाए, उसमें बदलाव न करें। हाँ, ये सही है जो कि अन्य देशों के या अन्य प्रदेशों के भी व्यंजन अपनाएं, लेकिन अपना व्यंजन भूल ना जाए, अपने व्यंजन को भी बरकरार रखें। तो ठीक, आज इतना ही इस पाठ के अंदर, फिर दूसरे दिन दूसरे पाठ के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।